हेलो स्टूडेंट क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी ठीक एक्सरसाइज 9.4 ठीक दिया कि मल्टीप्लाई थी बाइनोमियल्स यानी उसका मल्टीप्लाई करना है इसका पहला दिया है क्या कि 2x + 5 इनटू एंड अगर इसको अगर इनटू 4x - 3 ठीक है इन दोनों ब्रैकेट को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो ये पहली बात है 2x से इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 3 ठीक उसके बाद फिर p + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 3 ठीक है तो 2x से मल्टीप्लाई करो 4x में तो यार इसको बोल जा a x * y बताया कि वेरिएबल अगर सेम होता है तो मल्टीप्लाई करते समय उसको आपको ऐड कर देते हैं तो x * y हो जाएगा x² और प्लस * माइनस माइनस 2 * 3 x का x लग जाएगा ठीक फिर उसको ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई प्लस * प्लस प्लस 5 हो जा 20x प्लस * माइनस माइनस 5 3 जा 15 ठीक अब क्या करेंगे अब इसको देखते कौन ऐड होने वाला है 8x² इज इक्वल -3x अपर 20x प्लस माइनस होता है तो माइनस ही करते हैं और जिसका साइन अधिक रहता है उसका साइन क्या करते हैं हम लगा देते हैं ठीक है यानी 23 या 70 हो जाएगा या बहुत ज्यादा तो साइन इमेजिन कर देंगे ठीक -15 ये हमारा वाला क्वेश्चन क्या हुआ सॉल्व हुआ ठीक फिर इसी प्रकार इसका एक दूसरा है y minus 8 into 3y minus 4 3y minus 4 अब देखिए इसमें भरने वाला अलग अलग ठीक इसका भी मल्टीप्लाई करते करना है सबसे पहले y से करेंगे 3y minus 4 में इसका दोनों वेरिएबल में क्या है इसमें वेरिएबल x था और इसमें वेरिएबल क्या है y ठीक तो y से करेंगे 3y minus 4 में फिर अब माइनस ए से करेंगे फिर 3y - 4 अब मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई को वाई मल्टीप्लाई करते थे क्या होता है वाई स्क्वायर बताया कि मल्टीप्लाई करते समय अगर वेरिएबल सेम हो उसकी पावर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं ठीक यहाँ बेस कुछ नहीं तो 1 ऑलरेडी होता है बताया हम ठीक 1 * 3 3 हो जाएगा y * y वाई स्क्वायर ठीक प्लस माइनस y * 4 4y फिर माइनस इनटू प्लस माइनस 8 * 3 = 24 इनटू आई 24 आई जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस 8 * 4 = 32 ठीक 3y² ये माइनस 4y है माइनस 24y जब माइनस ये और माइनस के लिए क्या होती है माइनस में होती है तो हो जाएगा माइनस 28y + 32 ठीक है इसी प्रकार पहला दूसरा हो गया और एक मैं बता दे रहा हूं फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसी का छोमा है दिया है 3/4 a² + 3b² + 3b² * a² - a² - 2/3b² यानी 3b² ठीक यानी 3/4 से इंटीग्रेट करेंगे यानी 3/4 e² से मल्टीप्लाई होगी e² - 2/3 b² में फिर प्लस 3b² से होगा फिर इन ब्रैकेट पूरा यानी कितना e² - 2/3 b² ठीक है अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ठीक 3/4 यहां पे बेस नहीं है तो क्या होगा 1 3/4 में 1 का 3/4 e² * a² एक का पावर क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा फिर प्लस इनटू माइनस माइनस अब क्या करेंगे 3/4 में 2/3 का यानी 3/4 में 2/3 का मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन 3 कैंसिल हो जाएगा 2 * 2 = 4 यानी क्या बन गया हमारा 1/2 यानी क्या बन सकते हैं हम 1/2 a² आइए b²
ये हो जाएगा 3 2 3 में करेंगे 2/3 का 3 कैंसिल यानी बचेगा 2b का पावर 2 × 2 4 हो जाएगा ठीक है क्योंकि 2 इसका पावर 2 इसका 4 हो गया। अब करेंगे 3/4 1 का पावर 4 अब इन दोनों को ऐड करेंगे ठीक है इन दोनों को ऐड करेंगे सीरीज में 2 होता है 2 होगा ठीक ये हो जाएगा हमारा क्या है हां सॉल्व कर लेते हैं क्या 1/2 प्लस 3/1 ये 2 तो 1 प्लस 1 2 2 3 2 6 यानी 7/ क्या हो जाएगा 2 यानी -7/2 a² b² ये क्यों हो गया ये दोनों का जो वेरिएबल है सेम है पावर भी सेम है 7/2 a² b² -2b का पावर 4 ये हमारा क्वेश्चन था। इसी प्रकार ये पहला पूरा सॉल्व करेंगे फिर दूसरा जो दिया है फाइंड द पावर दूसरा भी वही कह रहा है कि फाइंड द पावर गुणनफल ज्ञात कीजिए वो भी इसी तरह का है दूसरा फाइंड द पावर ठीक ये गुणनफल ज्ञात करना है इसका पहला क्या है पहला लिखा है फाइव -2x (3+x) 3+x अब इस 5 में क्या करेंगे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 (3+x) फिर -2x से 3+x मल्टीप्लाई करेंगे करते मल्टीप्लाई 5 × 3 = 50 +5 × x 5x ठीक अब इसको क्या इसमें करेंगे -2 + -2 2 × 3 = 6 x का x ठीक -2 + -2 2 × 1 = 2 और x × x क्या हो जाएगा x² ठीक 15 प्लस ये 5x में से 6 x जाएगा क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा ठीक ये -2x² इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आज तरफ से लिखा हो तो -2x² माइनस x प्लस 15 भी लिख सकते हैं इस तरह भी लिखा जा सकता है ठीक तीसरा भी हमारा वही है इस तीसरा भी मल्टीप्लाई ही करना है तीसरा में भी बता रहे हैं क्वेश्चन तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है वो भी मल्टीप्लाई ही है दिया है कि x² - 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x + 5 ठीक अब फिर 20 + 25 तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर इक्वल करेंगे एक्स स्क्वायर से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स होगा x + 5 में फिर माइनस से x + 5 में ठीक है 8 + 25 जीरो कर देंगे ठीक अब मल्टीप्लाई करते हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट टूटेगा ठीक एक्स स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 3 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय अगर बेस वेरिएबल सेम होता है जो पावर को ऐड करते हैं ठीक तो x हो जाएगा प्लस x² × 5 तो हो जाएगा 5x² -5 × x 5x -2 + -5 25 +25 माइनस दिया हुआ है ये -25 + 25 कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा x³ प्लस 5x² और -5x हो गया इस तरह भी तीसरा को सॉल्व करना है ठीक इस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे जो भी प्रॉब्लम होगी वीडियो में कमेंट करेंगे ठीक फिर उसके आगे आप अगला वीडियो आपको समझाया जाएगा।